जब आप जम्मू कश्मीर में आते हैं और जम्मू कश्मीर में आपको पुलिस प्रशासन पूछती है आप कहां से हो, तो आप अपना आधार कार्ड बाहर निकालते हो और बोलते हो हम जम्मू या कश्मीर से। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आपको आपके प्रोटेस्ट से पहचाना जाता है कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम है। सरकार ने कई वादे किए और सरकार ने पूरे भी किए। मैं बताता हूँ कौन कौन सा वादा। 2014 में उन्होंने कहा था 450 रुपये का सरेंडर, तो क्या हो गया, 4 गुना ज़्यादा उसकी कीमत है। घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार का वादा है। 370 को तोड़ेंगे, बराबर तोड़ा और ऐसा तोड़ा कि ये सड़क पर आ गए। आखिरकार ये कब तक तोड़ना जोड़ना होगा? और हालात हमारे ऐसे हैं कि धरनों पे धरने लगे हुए हैं। कभी तो हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद मीडिया के जो बाकी कर्मचारी हैं वो भी यही सोच रहे होंगे, यार ये भी धरने पे बैठे हैं। क्या लगता है आपको सर, जिस गली कूचे में आप जम्मू कश्मीर के जाओगे वहाँ पर धरना है? अनएम्प्लॉयमेंट की बात कोई कर नहीं रहा, आतंकवाद को ख़त्म करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरियत के कश्मीरी पंडित्स को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मैं नहीं कह रहा, धरने कह रहे हैं, धरनों के अलावा मीडिया के वो पोर्टल्स कह रहे हैं जिन पे कश्मीरी पंडितों ने बहुत खुलेआम ये बात कही कि अलजी साहब आप तो कुछ करो, क्या कहेंगे? देखिए, करनी और कथनी में जो फ़र्क है वो सामने दिखाई दे रहा है। आज जम्मू कश्मीर के 61,000 चाहे डेली वेजर एम्प्लाइज बोल लीजिए, आंगनबाड़ी की महिलाएं बोल लीजिए, पुलिस के होम गार्ड बोल लीजिए, आज ये BDC के SPOs बोल लीजिए, ये सारे लोग, और पिछले शुक्रवार से हमारे जो पटवारी हैं वो भी धरने के ऊपर बैठ गए हैं। सरकार के वादे जो थे नया जम्मू कश्मीर बनाने के थे, 370 टूटी लड्डू बांटे, हम लोगों ने भी खुशी जाहिर की कि हमारा कोई समाधान होगा, लेकिन आज के हालात जो हैं वो इस कदर भयानक और गंदे हो चुके हैं कि अंधी गूंगी बहरी UT एडमिनिस्ट्रेशन सुनने वाला कोई नहीं रहा, लोगों की अप्रोच नहीं रही। जाएं तो जाएं कहाँ, सुनाएं तो सुनाएं किसको, कोई सुनने वाला नहीं रहा। जैसे आपने बोला कि बड़े बड़े वादे किए गए, सिलेंडर तो छोड़िए, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि एक डिपार्टमेंट का एक पूरा विंग, जैसे ये BDC SPOs है, इनको प्रमोशन की जगह डिमोशन दे दी गई, और डिमोशन भी किस कदर दी गई कि 18,000 रुपया तनख्वाह, जिसमें ये लोग अपने बच्चों का लालन पोषण कर रहे थे, घर परिवार चला रहे थे, इनको गवर्नमेंट की कोई स्कीम नहीं मिल रही क्योंकि वे गवर्नमेंट इम्प्लाइज है। ये आर्डर एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO ने निकाला है, जिसके तहत ना इनको कोई गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो दी जा रही है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना बोलिए, चाहे शौचालय बोलिए, BPL कार्ड में फ्री राशन बोलिए, नहीं मिल रहा। ये आर्डर के तहत BDC SPO जो हैं उनका कोई मनरेगा कार्ड भी नहीं है, क्योंकि इनको डिपार्टमेंट ने 1995 से BDC SPO एंगेज किया है। ये पुलिस स्टेशन, पुलिस चेक पोस्ट, इसके अलावा DSP SSP या पुलिस लाइन में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जनरल SPOs की तरह अपना पूरा काम जो है टाइम टू टाइम पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। अब जब BDC मेंबरों ने एक प्रोटेस्ट किया कि हमारी भी सैलरी लगाई जाए, अगर एक MLA मिनिस्टर 5 साल नौकरी करने के बाद वो पेंशन का हकदार है, उसको 50 बंदे सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, तो जिन्होंने 25 साल से नौकरी की है, देश की रक्षा की है, अपने गांव की रक्षा की, और कईयों ने शहादत भी दे दी, उन लोगों को भी जो सैलरी है गवर्नमेंट लगाए। हमारे किश्तवाड़ के MLA सुनील शर्मा जी ने ये पूरा मैटर टेकअप किया और दिल्ली में जाकर एक आर्डर निकलवाया कि BDC मेंबर्स को भी सैलरी जो है वो दी जाएगी। अब वो आर्डर रिटर्न में निकाला या जुमलेबाजी की गई हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास वो आर्डर नहीं आया। इसके अलावा लड्डू बांटे गए, हार पहनाए गए, अपने जय जय कार्य कराए गए, लेकिन आर्डर हाथ में नहीं आया। जब साल होने के बाद BDC मेंबर्स ने दोबारा डिमांड की, तो BDC जब बनी थी तब के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो स्कीम बनी थी, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं किया गया कि इनकी सैलरी जो है वो शेयर की जाएगी।
उसके मतलब हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डिमांड जो है पुलिस से की, होम डिपार्टमेंट से की। यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने ये एक आर्डर निकाला जिसमें क्लियर कट लिखा गया कि बीडीसी एसपीओज की सैलरी कहीं भी शेयर नहीं की जाएगी। इसके अलावा एक आरटीआई फाइल की गई जिसमें ये क्लियर कट लिखा गया है, पीएचके को द्वारा आरटीआई का इंफॉर्मेशन दी गई जिसमें क्लियर कट लिखा कि कहीं भी इनकी सैलरी शेयर करने का प्रावधान नहीं है। तो ये सैलरी शेयर नहीं हो सकती थी, ये बीडीसी की सैलरी थी एसपीओज की। इसके बाद जब हमारे बीडीसी मेंबर्स ने हमारे जो सुनील शर्मा है उनसे जब बात की कि हमारी सैलरी दी जाए, तो एक नई जो बीडीसी उठाकर बीडीजी बनाई गई, विलेज डिफेंस ग्रुप बनाए गए, जिसके तहत ये आर्डर जो है वो निकाला गया। लेकिन इस आर्डर में भी कहीं भी कोई भी बीडीसी एसपीओज का जिक्र नहीं हुआ, उनकी सैलरी का जिक्र नहीं हुआ। कितने टाइम के बाद आपका ये ऑर्डर जो है वीडीसी की जगह वीडीजी में तब्दील हुआ? ये ऑर्डर जो है ए ऑर्डर डेटेड फर्स्ट हाफ सिक्स मंथ 2000 ये जून महीने जुलाई महीने में ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया, जिसके तहत कहीं भी हमारे एसपीओज का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। जिसमें दो कैटेगरीज बनाई गई, B1 और V2, जिसमें ये क्लियर किया गया का द पर्सन हु शैल बी हेडिंग लीडिंग कोऑर्डिनेट द विलेज डिफेंस गार्ड इन द मोर वेलनरेबल एरियाज शैल बी पेड रुपये 4500 पर मंथ। और B2 कैटेगरी में द पर्सन हु आर मेंबर्स ऑफ द विलेज डिफेंस ग्रुप ऑन वॉलंटियर बेसिस, ये भी क्लियर किया है कि वॉलंटियर बेसिस पे जो मेंबर हैं शैल बी पेड ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ रुपये 4000 पर मंथ। लेकिन कहाँ से दिया जाएगा? इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ये तमाम लोग मजदूरी करेंगे तो एक दिन का 500 रुपये और एक महीने का 15000, यानी कि सरकार की 4500 और 4000 से कई ज़्यादा मानते हैं। हम ये भी कहेंगे कि एक देश एक विधान एक संविधान, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर का सपना पूरा हुआ। बाकी ड्यूटीज की तरह हमारे भी मिनिमम बेसिस एक्ट के हिसाब से 311 रुपये पर डे के हिसाब से 9300 रुपया हमारे बीडीसी मेंबर्स को भी दिया जाए, और हमारी जो बीडीसी एसपीओज की सैलरी है 18000 रुपया वो इनकी बराबर रखी जाए, इनकी ड्यूटी जो है प्रॉपर ली जाए। लेकिन यहाँ पे करनी और कथनी में जो फर्क है वो सामने दिख रहा है। हमने कोर्ट में भी केस फाइल किया है, बीडीजी जो स्कीम बनाई है उसको चैलेंज किया है और हॉनरेबल कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया है और होम डिपार्टमेंट को ये क्लियर किया है कि आपने जो बीडीजी बनाई किसके तहत बनाई और सैलरी जो एसपीओज का इशू है उसको भी क्लियर करे। 23 तारीख को हेयरिंग है, अगर यहाँ पे सुनवाई नहीं होती तो बाकी डेली बेजर की तरह हम जम्मू में प्रदर्शन नहीं करेंगे। 200 दिन पीएचई वालों ने प्रदर्शन किया, किसी ने नहीं सुनी। हमारा प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में होगा, प्रधानमंत्री गृह मंत्री और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उनके वहां पे हम प्रोटेस्ट करेंगे और उनको बताएंगे कि कैसी अन्नी गूंगी बहरी सरकार जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर में बैठी है जो किसी की सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए मजबूर होकर हम दिल्ली में आकर आपको अपना प्रदर्शन आपको अपनी डिमांड जो है आपके आगे रख रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि हमारा समाधान जो है वो जल्द होगा। पूरे देश में जम्मू कश्मीर की जो हमारी जनता की जो हालत है, हम 61000 हमारे जो डेली बेच रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे साथ आप भी चलें ताकि पूरे देश को पता चले आखिरकार जम्मू कश्मीर में हालात और ग्राउंड रियलिटी जो है वो क्या है और टीवी में सोशल मीडिया में आखिरकार न्यूज़ में क्या दिखाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको एक बात मालूम होगी कि सरकार ने गोल्डन कार्ड्स अलॉट किए हर एक परिवार के हर एक फर्जन को, चाहे आप घर में 5 बंदे हों या 10। आखिरकार क्यों किए हैं? ये है, इसलिए किए गए हैं क्योंकि जब आप धूप में धरना देंगे आपका बीपी बढ़ेगा और आपको फ्री इलाज होगा गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट में आपको पैसा भरना पड़ेगा। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी। इतना ही नहीं बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लेनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लेनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 0194248250।